नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी ब्रेड्स प्रॉपर्टी मॉल। और एक 200 गज की कोठी आपको दिखाने आए हैं, तो शुरुआत गेट से कर लेते हैं। एक गाड़ी बाहर ऑलरेडी पार्क है, पार्क फेसिंग है, एक गाड़ी यहाँ पे बाहर पार्क हो जाएगी और अंदर भी एक गाड़ी पार्क हो जाएगी। टू व्हीलर यहाँ पे है, बाहर एक प्राइवेट गार्डन भी बना रखा है और बाहर जाली का दरवाज़ा है। और यहाँ आप अपने हिसाब से इसको जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है, आप थोड़ा और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ काफ़ी कुछ एंट्री के ऊपर और डेकोरेटिव हो सकता है, जो बाद में बाय करेगा वो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकता है। तो एंट्री है यहाँ पे, तो हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही आपका जो गेट के बिल्कुल साथ ये बहुत स्पेशियस यहाँ पे ड्राइंग एरिया है और सोफ़ा वगैरह सब लगा हुआ है, पीवीसी पैनल है, एसी है और विंडो है, फैन है और यहाँ बाहर से रोशनी भी आ रही है और हवा भी आ रही है। तो यहाँ से व्यू भी बाहर गार्डन का, प्राइवेट गार्डन और सामने पार्क है। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत स्पेशियस, आपकी 200 गज में काफ़ी खुली स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ डाइनिंग एरिया है, ये पूजा रूम है और यहाँ पे फ्रिज लगी हुई है और प्लस ये भरे पूरे परिवार की भरी पूरी रसोई भी है। और यहाँ पे चिमनी है, आरओ है, गीजर है, सब कुछ लगा हुआ है और सारी कबर्ड्स फुल भरी हुई हैं। खाते पीते घर में सामान ऐसे ही होता है, तो माइक्रोवेव ये सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। और इस तरफ दो कमरे हैं, एक रूम इस तरफ है और ये कॉमन वॉशरूम बनाया गया है ताकि गेस्ट भी यहाँ इसको यूज़ कर सकें। और ये भी बिल्कुल रेडी है। और ये वाला जो रूम है, इस रूम में बेड है, बेड के साथ ये जो कबर्ड एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, ऊपर डाउन सीलिंग है, यहाँ पे पीवीसी पैनल है और इसका इस तरफ अटैच वॉशरूम भी है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम हो गया और ये सेकंड बेडरूम हो गया। तो ये सेकंड बेडरूम है, इसका भी अटैच वॉशरूम है इस तरफ। और पीछे यहाँ पे बेड़ा है ओपन, क्योंकि 200 गज जगह काफ़ी होती है, तो यहाँ पीछे वॉशिंग मशीन लगा रखी है और ये सारा बेड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। धूप पीछे से आएगी क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, तो पीछे घर के धूप आती है। अब सामने अलमीरा है बेडरूम में, कबर्ड है, ये सब कुछ आपको एडजस्ट मिलेगा। और जो ये एलईडी जिसको हम पैनल बना रखा है और उसके नीचे जितनी भी स्टोरेज है, ये सारी आपको एडजस्ट मिल जाएगी। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा कि दो बेडरूम हैं, दो वॉशरूम है, एक कॉमन वॉशरूम है, दो बेडरूम के साथ अटैच है, तीसरा कॉमन वॉशरूम है। डाइनिंग, ड्राइंग, किचन और पूजा एरिया और सीढ़ियाँ घर के अंदर से हैं, जिसको डुप्लेक्स घर कहते हैं। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। नीचे से जब हम ऊपर आएंगे तो बैल्कनी तक पहुँचे और फिर यहाँ से जो फर्स्ट फ्लोर है वो शुरुआत होती है। और यहाँ पे भी छोटे बच्चे ने अगर बाहर घूमना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसके लिए वो बाहर नीचे सीढ़ियाँ बना जाए, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये स्टील की ग्रिल लगा दी गई है। अब ये वाला जो एरिया है, ये लिविंग एरिया के तौर पर फर्स्ट फ्लोर वाले जो जो भी फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा वो यूज़ कर सकता है। और इस तरफ ये सारी पैनलिंग लगी हुई है और यहाँ पे ये बच्चों का रूम बन सकता है, क्योंकि पहले से बच्चों का रूम बना रखा है। तो यहाँ डाउन सीलिंग है, फैन है, ये बेड वेड है सब, तो ये बच्चों का रूम है। सामान हो सकता है ये सारा ना मिले, लेकिन जो फिक्स्चर है, जैसे ये वाली कबर्ड जो है फिक्स्चर में आती है, अटैच वॉशरूम है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और ये जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है, प्लस ये वाला रूम हम बात करें, तो यहाँ पे भी बेड लगाई हुआ है और आप देख सकते हैं कि बाहर भी पूरी पीछे प्लॉट खाली है और वेंटिलेशन है और प्लस वॉल डिज़ाइन की है और यहाँ एसी वगैरह लगा के एलईडी पैनल अपने हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इसका अटैच वॉशरूम इस तरफ है। अब इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, ये एक स्टोर रूम के तौर पे बनाया गया है और यहाँ पे कबर्ड है सारी की सारी। और ये वाली स्पेस जो है, यहाँ पे भी कबर्ड लगा रखी है और यहाँ से बाहर व्यू भी है। तो ये वाला एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दो कमरे हो गए और दो वॉशरूम हो गए और उसके अलावा ये वाला जो एरिया है स्टोर वाला, ये एक्स्ट्रा हो गया। और जो लिविंग एरिया है, ये वाला एरिया, ये फर्स्ट फ्लोर पर भी साथ में है। तो इसके अलावा बाहर बैल्कनी है, आइए आपको बाहर ले चलते हैं।
तो ये वाली बैल्कनी ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे फैमिली रह रही है, तो यहाँ वॉशिंग आप कर सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं और यहाँ कपड़े सुखा सकते हैं। और यहाँ से बाहर सामने व्यू आपको पार्क का बहुत शानदार, पुराना पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये आपको व्यू यहाँ से मिलेगा। अब ये सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। ये 200 गज की कोठी है और पार्क फेसिंग कोठी है, नॉर्थ फेसिंग कोठी है, सेक्टर 125 है, नक्शा इसका पास है और तुरंत इस पे बैंक लोन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे 200 गज की कोठी का कोई 2 करोड़ मांग रहा है, कोई 75 मांग रहा है, लेकिन ये 160 के आसपास इनकी डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। तो 200 गज की ये कोठी है जो आपने देखी है। ग्राउंड पे भी टू रूम सेट है, फर्स्ट फ्लोर पे भी टू रूम सेट है और पार्क फेसिंग है, बाहर 2-3 गाड़ियों की पार्किंग है और काफ़ी ठीक ठाक फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। हाई जेंट्री जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे आसपास रहते हैं। तो 1 करोड़ 60 लाख इनकी जो डिमांड है, हो सकता है कि वो बहुत लोगों को अच्छी लगे, सूट करे। और लोकेशन तो नो डाउट अच्छी है, यहाँ से चंडीगढ़ बहुत पास में ही है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ भी आसपास ही हैं। तो नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, कॉल करके आप आएंगे तो आपको ये वीडियो में जो आपने कोठी देखी है ये हम भी दिखाएंगे और इसके अलावा भी आपको और ऑप्शन दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।